आज आई है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हंदवाड़ा में। हमारा जो इंस्पेक्शन का मतलब ये है कि हमें ग्राउंड में देखना है, हो क्या रहा है ग्राउंड में, क्या डिफिकल्टीज है, ठीक है, जो हमारा डे टू डे काम यहाँ पेशेंट केयर है इसमें कौन कौन सी मुश्किलात है और क्या क्या चीज़ें जो हम सजेस्ट कर सकते हैं उसको ठीक कर सकते हैं। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस होती है गवर्नमेंट में, एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और इंस्पेक्शन होता है हर साल, और साल में एक दो बार होता है। तो उसमें ये देखते हैं हम कि जो फंक्शनिंग है, कोर ऑल फंक्शनिंग, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन से लेके स्टाफ से लेके अटेंडेंस से लेके ये बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, बाकी चीज़ें, सारी चीज़ें जो भी रिलेटेड है एक इंस्टीट्यूशन के साथ, इनको हम ऑन स्पॉट जाके देखते हैं। जैसे अभी आपने देखा, हमने बिल्डिंग देखी यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, अभी ये नया इंस्टीट्यूट बन रहा है, अभी समझ लो कि ये यंगेस्ट मेडिकल कॉलेज बन रहा है। और इसमें जब मेडिकल कॉलेज बनता है तो इसमें काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, एक ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो गवर्नमेंट ने अपने तरीके से जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं वो यूटिलाइज कर रहे हैं, उसके लिए आप देख रहे हैं बड़ा कैंप्स वहाँ पे बन रहा है उसका बाईपास पे, तो वो भी आपने देखा। यहाँ पे सिक्स मंजिला जो इमारत बनी है इसमें कुछ कोर्ट केसेस है, तो वो भी हम देखेंगे। इसको हमें फंक्शनल बनाना है, तो जो यह नया जो पुरानी बिल्डिंग है डिसमेंटल हो रही है, तो यहाँ गाइनी वार्ड उनको शिफ्ट करना है इधर, तो उसके लिए कैसे ये शिफ्ट करें, उसके लिए इनकी कुछ दिक्कतें हैं, जैसे रैंप नहीं है, यहाँ पे लिफ्ट नहीं है, तो पहले इन चीज़ों को एड्रेस करना है। इसी समय में हम आज पूरा जो है इस डिस्ट्रिक्ट में हॉस्टल है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि काफ़ी अंदर में तब्दील हो गए हैं, लोग सफ़र कर रहे हैं कि हालांकि अगर बिल्डिंग पहले से ही बनी हुई है, वो बिल्डिंग अभी इनकम्प्लीट है, नई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की जा रही है, आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? इसमें कोई इशू नहीं है, खंडर तो जब भी कंस्ट्रक्शन होती है, जब भी कहीं पे आप डिसमेंटल करेंगे तो आपको अपेरेंटली खंडर दिखेगा, इंशाल्लाह आप देखेंगे एक फ्यूचर में, अगर आप 3D मॉडल देखेंगे एक इतना खूबसूरत कैंपस आपको दिखेगा। बट जो टेक्निकल आप बोल रहे हैं इस बिल्डिंग में क्यों शिफ्ट हुआ है, इसमें कोर्ट का कुछ ऑर्डर है, वो हम लोग देखा नहीं, अभी डिस्कस हुआ है अथॉरिटीज़ के साथ, तो वो हम पेपर्स में देखेंगे, उसको फॉलो करेंगे, कोर्ट के साथ जो भी है उसको प्रोसीड करेंगे उस केस को, तो उसका स्टे वैकेट करके इंशाल्लाह ये प्रायोरिटी है। इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं कि दिक्कतें क्या है ग्राउंड में, कोर्ट का कोई चीज़ आ जाता है तो उसमें कोई कमेंट होता नहीं है, उसके हमारा बनता ही नहीं उस पर कोई कमेंट करना। बाकी जो आप देख रहे हैं अपने सामने, पेशेंट का फ्लो बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है, हंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कन्वर्ट हो गया मेडिकल कॉलेज में, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रही है। कोई भी चीज़ डेवलप करने के लिए अभी मेरे पास दूसरा बैच आया है यहाँ पे, तो कोशिश है गवर्नमेंट की कि किसी तरीके से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए। आपने देखा इक्विपमेंट्स आए हैं, सारे मशीनरी आई है, बट छोटी छोटी चीज़ें हैं इसमें, सब कुछ टाइम लगेगा, तो उसमें पूरा गवर्नमेंट अपने तरीके से काम कर रहे हैं इस सेक्टर को। डॉक्टर आबिद साहब देख रहे हैं हेल्थ सेक्रेटरी, वो बहुत ही खुद भी डॉक्टर है और बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। हमने जुम्मू में भी देखा, हम अनंतनाग मेडिकल कॉलेज गए, बारामूला गए, पूरा हम देख रहे हैं पूरी यूटी को, तो अच्छा काम हो रहा है कुल मिला के। बट ये है कि हमेशा स्कोप रहता है इम्प्रूवमेंट का, वो इम्प्रूवमेंट के लिए इसी से डायरेक्शन में हमें भी डायरेक्शन हुई है कि आप भी जाइए फील्ड में जाके, आप भी देख लीजिए और हम सजेस्ट करेंगे बेशक जो दिक्कत है पब्लिक को हो रही है उसको कैसे मिटिगेट किया जाए, उसको कैसे रिड्रेस करें। तो इस इंशाल्लाह अच्छी समय में काम हो रहा है, ठीक हो रहा है। कोई भी चीज़ काम करने के लिए दो तीन चीज़ें होती है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए फार्मा बिल्डिंग, उसके बाद फंक्शनल बनाने के लिए आपको मैन पावर चाहिए, मैन पावर के साथ फिर इक्विपमेंट्स, तो हर चीज़ में एक प्रोसेस में टाइम लगता है। अगर आप बिल्डिंग अभी हमारी खड़ा है, मतलब इट शुड हैव बीन ऑपरेशनल, किसी वजह से, किसी टेक्निकल वजह से या लीगल वजह से ऑपरेशनल नहीं है, अगर हम ये ऑपरेशन करेंगे और हमारे पास इक्विपमेंट नहीं होगा तो इसमें एक साल और लगेगा। तो वो टेंडरिंग होती है, मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन सप्लाई करती है इनको, तो इस एक प्रोसेस है। तो जो भी काम हुआ है वो गुड फेथ में, अच्छी फेथ में हुआ है, सब चीज़ें इकट्ठे हुई है, तो सिर्फ इसको ऑपरेट करना है। वो ऑपरेट करने के लिए कौन सी बोटल लेकर कौन सा दिक्कत है उसको एड्रेस कर, गवर्नमेंट डेवलपमेंट चाहती है, गवर्नमेंट ने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में है और चल रहा है, आपने देखा वहाँ पे भी उस कैंपस में भी कितना काम चल रहा है। यहाँ पे तहसीलदार साहब भी थे, ADC साहब भी थे, आपने देखा पूरी एडमिनिस्ट्रेशन थी, 3D भी आपने देखा, यहाँ पे काम चल रहा है। अब टेक्निकल काम या दिक्कत जो है वो रैंप की है और इसकी अपने लिफ्ट की, तभी जाके वो वाला वार्ड इधर शिफ्ट होगा, तब क्योंकि गायनिक वार्ड के साथ थिएटर होना ज़रूरी है, इमरजेंसी होना ज़रूरी है। तो ये टेक्निकल भी है और एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज भी है, तो ये इंशाल्लाह इसी में हम बैठ एज सून एज पॉसिबल।